Hey guys, good morning, शुभ प्रभात। अभी सुबह के बजे हैं 7:30 और मैं बहुत जल्दी उठ गई हूँ आज, मतलब 7 बजे के करीब। और उठते ही सबसे पहले नहाया क्योंकि मिस्त्री लोग आने वाले हैं काम करने के लिए। तो मैं ना बस नहाने के पर्पस में जल्दी उठी हूँ, तो ये मैं नल में नहाती हूँ। तो नहाया अभी और अभी ना सब लोग झाड़ू लगा रहे हैं यहाँ पे। हमारे गांव में अभी सुबह हुई है, दिखाती हूँ हमारे गांव का नज़ारा। कल ना हम गए थे कीर्तन, मतलब भंडारा प्रसाद लेने के लिए। बलून लेके आए थे 2, येलो कलर का एक स्माइली वाला लेके आए थे, वो गाड़ी में फूल गया। और एक ये बचा है रेड वाला, ये इधर पे टांग के रख दिया हम लोगों ने। काफी चिल्ला रही है, गाय आए हैं तभी। इधर माधव सोया है, इधर मेरे हस्बैंड बना रहे हैं चाय। देखो मस्त वाला चाय बना रहे हैं। मैं निकालती हूँ नमकीन, कुछ है भी नहीं पता खाने के लिए अच्छा कुछ। तो गाइस ठंडी लग रही है बहुत, हम लोगों ने ना एक ही कंबल में आ गए हैं यहाँ बैठने के लिए। लेकिन चाय है तो चाय तो पीना पड़ेगा, उसके बाद हम चले जाएंगे अंदर। मतलब मैं माधव के पास चली जाऊँगी अभी और दीदी आएगी 10 बजे। अभी बहुत टाइम है हमारे पास, तो पहले चाय पी लेते हैं। क्यों कम्बल है, क्यों क्यों लिया तुम? इसको पीते कहाँ हूँ वाले में, मैं पीती हूँ सब में। मीठा कम हो गया चाय में, और फिल्टर के लिए बनाते बनाते आदत लग गया। अभी फिलहाल ये मतलब सिंपल वाला खा रहे हैं, फिर देखेंगे थोड़ी देर के बाद। थोड़ी देर बाद मिस्त्री आएगा ना, फिर चाय पीना पड़ेगा। है भी ना सुबह, एकदम सुबह सुबह जाता नहीं है, सिंपल सिंपल ही जाता है। तो चलो पहले मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। घर में हो रहा है ना काम, हो रहा है काम, और मतलब बाथरूम का काम स्टार्ट हो गया है। तो बाथरूम का देखते हैं जहाँ तक हो पाता है वहाँ तक करेंगे हम। और इधर ना मतलब सोफ़ा वोफा हम लोगों ने सब कुछ ढक के रखा है, दिखाती हूँ मैं। कुछ मैंने अच्छे तरीके से कवर करके रख दिया, बस टेबल को कवर नहीं किया है, टेबल को भी करना है मुझे। और पूरा घर फैला पड़ा है, इसको मुझे साफ़ करना है। चाय बना रही हूँ उधर, तो चलो पहले ना हम बेड को क्लीन करते हैं क्योंकि काफ़ी गंदा लग रहा है बेड। तो फर्स्ट बेड क्लीनिंग, माधव गया है दुकान बिस्किट वगैरह लाने के लिए। हमारा चाय पीना तो हो गया है और अभी आ गई हूँ मैं बिस्तर साफ करने के लिए। माधव गया है दुकान और उसके पापा के साथ बिस्किट वगैरह लाने के लिए, क्योंकि ना लेबर मिस्त्री लोग आए हैं हमारे घर में बाथरूम के लिए। तो बाथरूम में ना प्लास्टर हो रहा है, काफ़ी काम है, तो एक एक करके कर रहे हैं हम। तो और ऊपर से ना हर कहीं मेरा रूम फैला पड़ा है, घर फैला पड़ा है, तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं अपने हस्बैंड को बोली जल्दी जल्दी इनका काम ख़त्म करवाओ, मुझे थोड़ा रेस्ट करना है, क्योंकि देखो रेस्ट भी नहीं हो पाता है, बहुत दिक्कत हो जाती है। और मैंने अभी चाय परोस मतलब बनाने के लिए रखा है गैस पे, बन रहा है, तब तक हस्बैंड लेके आ जाएंगे बिस्किट वगैरह। तब मैं सोच रही हूँ तब तक मैं ना बेड साफ़ कर लेती हूँ। देखो ये दोनों आ भी गए हैं बोलते बोलते, मतलब जब भी लोग आते हैं ना तब मैं बोलती हूँ आ गए अब दोनों, आ गए अब दोनों, क्योंकि माधव और माधव के पापा ना बेड मेरे को क्लीन करने नहीं देते हैं, बहुत बेकार है ये दोनों। इनको आके बेड के ऊपर चढ़ जाते हैं, फिर ख़राब कर देते हैं बेड।
बहुत गुस्सा आता है मुझे। और सबसे ज़्यादा ना माधव बहुत शैतानी करता है, जब मैं बेड वेड क्लीन करती हूँ ना तो वो बेड खींचता है बहुत, मतलब बिगाड़ने की कोशिश करता है। तो मैं पहले तो सोच रही थी कि तकिए को ऐसे रखूँगी, बट ना बहुत गंदा दिख रहा था, मतलब बहुत ही गंदा दिख रहा था। फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा डिज़ाइन करके रख देते हैं, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। और मेरा तो साड़ी है, मुझे ना अभी फॉल लगाना है, टाइम नहीं मिल रहा है, कब लगाऊंगी मैं ये सोच रही हूँ, तो बहुत जल्दी लगाऊंगी, आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। मुझे सिलाई करना आता है, थोड़ा बहुत आता है, तो आता है क्योंकि मैंने पहले कर रखा है सिलाई वगैरह। और देखो हाथ का काम ना आना बहुत ज़रूरी होता है, कब कहाँ कौन से मोड़ पे कौन सा दिन दिखा दे पता नहीं चलता ना, तो मैं थोड़ा बहुत हाथ का काम भी सीख लेती हूँ अपने आप से, इधर उधर से, तो काम आएगा ना, आज ना आए कल तो ज़रूर आएगा ना। तो देखो हर किसी का एक जैसा दिन नहीं रहता है, मुझे पता है, तो मैं थोड़ा बहुत सीख लेती हूँ इधर उधर के काम। मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं हाथ का काम सीखा करो, और जब माधव बड़ा हो जाएगा ना तब मैं या तो पार्लर का काम सीखूँगी या फिर टेलर का, दोनों में से एक। मेरे हस्बैंड ने बोला कि कर लेना कुछ ना कुछ, देखो टैलेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। और मैं घर पे ही बैठ के अगर एक आध ब्लाउज़ अपना ही बनवा लूँ, मतलब सिलाई कर लूँ, तो कौन सी बुरी बात हो गई ना। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं टेलर वाला काम ही सीखूँगी, क्योंकि ब्लाउज़ बहुत महंगा आता है हमारे यहाँ पे, मतलब 250-250 का बनता है एक एक ब्लाउज़, सोचो, और कहीं कहीं तो 300-400-500 रुपये का बनता है, 600 का बनता है। तो मेरे को तो सुन के ही मज़ा आ रहा था कि यार 600-700 का, चलो मेरे सीखते सीखते तब तक 300-400 का ही बन जाएगा। तो सीखूँगी ना मैं बहुत जल्दी, अभी माधव छोटा है ना, मेरे को खुद को ही मतलब टाइम नहीं मिलता है, मैं खुद को थोड़ा टाइम दूंगी वही टाइम नहीं मिलता है। मैं सोचती हूँ मैं थोड़ा नेल पेंट लगाऊंगी हाथों में, वही वाला टाइम नहीं मिलता है, तो कैसे करूँ। और थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, थोड़ा घूमने का भी तो मन करता है यार, मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे को भी घूमने का मन करता है, इधर उधर जाने का मन करता है, तो अब क्या जाऊँ नहीं, अब मैं उस टाइम का नेल पेंट लगाऊँ, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो अभी मैंने सोचा कि थोड़ा खिड़की खोल के रखती हूँ, बट खोलूंगी नहीं, अभी थोड़ी देर के बाद फिर बंद कर दूंगी, बहुत धूल आता है। हो गया है एक, और माधव ने नहा लिया है, और अभी हम जाएंगे इसके घर पे खाना खाने के लिए। इसके घर पे खाना खाने के लिए जाएंगे आज हम, और तो इसके घर पे जाएंगे। अच्छा बैठा नहीं था ना ये। तो बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है यार बहुत, लेकिन मैं सही नहीं लग रही हूँ, मेरे बाल खराब है। तो इधर माधव ने भी नहा लिया है, माधव के पापा भी नहाने जा रहे हैं। तो आजकल ना मेरे घर पे आ रहा है बहुत पार्सल, आप लोग देख ही रहे हो, क्योंकि देखो अब क्या करें। सोचा था कि माधव के लिए अच्छा सा एक बैठने वाला सिटिंग वाला कुछ मंगवाऊंगी, लेकिन मैंने एक कालीन मंगवाया, इतना गंदा इतना फटीचर आया ना, मैं इसको चेंज कर दूंगी। और प्लीज़ आप लोग भी ये कालीन, ये सस्ता कालीन प्लीज़ मत लेना, बहुत गंदा है बहुत।